हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आज जो पूर्वी नदियों की बात, उत्तर भारत की नदियों की बात करेंगे। फ्रेंड्स, हमने बात की है, काफी नदियों की बात कर चुके हैं। जैसे अगर जो देखें कि हमने कल बात की थी दक्षिण भारत की नदियों की, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जो रह गया है वो है सिंधु नदी। बात करेंगे उत्तर भारत की नदियों की, और उत्तर भारत में बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर जो देखें तो कुछ नदियां हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो हमने फ्रेंड्स बात करें नदियों में, तो सबसे पहले स्टार्टिंग अगर जो की थी तो हमने सबसे पहले गंगा की बात की थी। तो बात करें नदियों की तो ज्योग्राफी में नदी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कहते हैं कि ज्योग्राफी की रीढ़ की हड्डी अगर जो कहा जाए क्या है तो नदी है। एक बार अगर जो आपको नदी याद हो गई तो उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जो याद हो जाएंगी। नदी किनारे शहर हो जाएंगे, राज्य हो जाएंगे, परियोजना हो जाएंगी, और नेशनल हाईवे हो जाएंगे, और इंडस्ट्रीज एरिया, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ से याद हो जाएंगी। तो बहुत ज्यादा नदी है नहीं है, ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट 10 नदी होंगी जो बहुत ज्यादा हैं। अब बात करें गंगा की, गंगा के साथ में यमुना की बात ही कर चुके, और यमुना के बाद हमने बात की नर्मदा की, नर्मदा के बाद ताप्ती की और साबरमती नदी की बात कर चुके हैं। इसके बाद महानदी की भी बात की थी, और कल बात करी थी कावेरी, कृष्णा और गोदावरी की। ये नदियों की बात हम कर चुके हैं, तो देखा जाए 3, 3, 6 और 3, 9 ये कुछ 10 नदी हैं, 10-11 नदी हैं जिनकी बात करें, और यही बार बार पूछी जाती है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है सिंधु नदी की। सिंधु नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर जब कहा जाए तो जीवन रेखा पूछ ले कि पाकिस्तान की जीवन रेखा कौन है, तो यही सिंधु नदी है। अगर जो सिंधु नदी का पानी रोक, सिंधु समझौता भी हुआ था, बात करें उस समय पर प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, जब सिंधु समझौता हुआ था तो 56 की बात है जब ये सिंधु समझौता हुआ था। अब बात करते हैं, हम बात करें टॉपिक की, तो टॉपिक जो है सिंधु नदी है। सिंधु नदी, अब हम इसमें बात करेंगे ये सिंधु नदी की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें हिमालय की, अगर जो आप देखेंगे हिमालय का कुछ स्ट्रक्चर ऐसे ही बनता है। अब बात करें, ये कुछ ऐसे मैप बनाया नहीं, मैप अगर जो यहां मैं छोटा सा बना दूं और दिखा दूं आपको तो ऐसे कुछ मैप बनेगा ये इंडिया का ऐसे। कुछ ऐसे मैप हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स मैप बना दिया है, और समझने के लिए आपको बना दिया है। अब बात करें हम इसको थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है, तो आप समझ सकते हैं।
अब बात करें कि अगर जो देखा जाए हिमालय का जो है स्ट्रक्चर, तो कुछ ऐसे ही, ये कुछ ज्यादा निकाल दिया, हाँ देखें हिमालय को तो कुछ ऐसे है, ये ऐसे ही ऐसे गिर जाता है। आपने देखा होगा कि ऐसे ऊपर उठने के बाद ये ऐसे जाके गिर जाता है, ये इस साइड उठता है और फिर ऐसे गिर जाता है। तो अगर जो देखना है कि हिमालय कैसा है तो कुछ ऐसा ही है। यहां से बात करें पाकिस्तान से होते हुए इंडिया, और इंडिया के बाद चीन, चीन नेपाल, ये सब होते हुए और कहां पे नीचे म्यांमार की साइड जाके गिर जाता है, और कहीं ना कहीं हिमालय का भाग ही, अगर जो देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है हिमालय का ही पार्ट है। तो हिमालय आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, अगर जो नहीं तो आप सिंघम की, जो सिंघम मूवी है देखें तो सिंघम की कुछ मूछों की स्टाइल से होगा, सिंघम की मूछों की तरह हिमालय है जो यहां पे देखो उठा और फिर नीचे गिरा, फिर उठा और फिर जाके ऐसे गिरा। तो हम बात कर रहे थे सिंधु नदी की, बहुत बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट जो दो झीलें हैं। अब ये झीलें कहां पर हैं, तो ये तिब्बत में है। अब बात करें कहां पर है, तो ये तिब्बत में है, और बात करें ये चीन की उसमें है, चीन के हिस्से में है, और ये जो है तिब्बत में है, और इसी के पास में देखें तो दो झीलें हैं। अब बात करें कभी कैलाश यात्रा होती है, कैलाश मानसरोवर यात्रा, तो यहीं से होती है, मानसरोवर से आगे होते हुए जाते हैं। तो अब बात करते हैं सिंधु नदी की, सिंधु नदी की बात करें तो मानसरोवर से सिंधु नदी है जो मानसरोवर से निकलती है, और मानसरोवर से होते हुए अब यहां है सिंधु, ये बात करें तो मानसरोवर इस मैप में आप देखते जाएं तो यहां पर होगा, और यहां से सिंधु नदी ऐसे निकलेगी और ये चीन के नेपाल से और चीन के पास में होगी। तो यहां से ऐसे जाते जाते ये बात करें तो लद्दाख, और लद्दाख से ऐसे होते हुए लद्दाख और ले से होते हुए ऐसे जाके ये अरब पाकिस्तान अरब सागर में जाके गिर जाएगी एक कराची और मोहनजोदाड़ो, ये कराची और कराची में जाके अरब सागर में गिर जाती है। तो यहां से आपको पता चली मानसरोवर से निकली, और ये ऊपर का ऊपर वाले पार्ट में बात करें जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के ऊपर वाला लद्दाख की बात करें वहां से जाके जाती है, और ये वाला जो पार्ट है तो अब तो ये वाला वो हो गया ना, ये वाला पार्ट जो है जम्मू कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर के ऊपर से लद्दाख से जाती है, और यही बात करें तो अक्साई चीन का पार्ट है, और ये वाला जो है पीओके वाला पार्ट है। तो अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो ये पाक अधिकृत भारत है इतना, और ये वाला जो है चीन अधिकृत भारत है, और इन्हीं के बीच से बगल से निकलती है। तो मानसरोवर, बात करें मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है, और यहां से निकलते निकलते ये जाके कहां गिर जाती है लास्ट में देखें तो ये अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में। और बात करें कि कहां पर, तो पाकिस्तान की जो है कराची, ये कराची, कराची के पास में अरब सागर में गिर जाती है। अब बात करें, पूछ ले कभी कि कराची कौन सी नदी के किनारे है, तो ये सिंधु नदी के किनारे है। अब कराची की थोड़ी सी बात करें कि अगर जो पूछ ले कभी, कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और उसकी डेट में बता दूं कि 1931 थी, 1931 थी। अगर जो पूछ ले कराची का अधिवेशन डेट कब हुई थी, कब हुई थी किस सन में, तो 1931 है। अब बात करें कि जब अधिवेशन हुआ तो इसके अध्यक्ष भी होंगे, तो हाँ इसके अध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहां पे अध्यक्षता की थी कराची में,
तो ये 1931 में हुआ था। तो अब बात करते हैं मोहनजोदाड़ो, पूछ रहे सिंधु घाटी सभ्यता का एक जो नगर था मोहनजोदाड़ो, ये मोहनजोदाड़ो मोहनजोदाड़ो की अगर जो बात करें, मोहनजोदाड़ो अगर जो पूछ ले किस नदी घाटी में था, तो ये सिंधु नदी के किनारे जो है मोहनजोदाड़ो था। तो बात हो गई अब सिंधु नदी की। अब सिंधु नदी की जब बात हो गई तो इसके साथ में अब बात करेंगे सिंधु नदी की सहायक नदियों की। तो जब से नदी पढ़ाई है तो मैंने बताया है कि अगर जो नदी ऐसे बह रही है, अभी तक हमने गंगा के बारे में देखा था तो गंगा नदी कुछ ऐसे बह रही थी, अब ये ऐसे नीचे की तरफ बह रही थी, उत्तर से आकर ये पूरब की तरफ जा रही थी, तो ऊपर वाला जो हिस्सा था ये उसका राइट था, ये वाला राइट था, बात करें तो ये दायां, सॉरी फ्रेंड्स ये लेफ्ट हो जाएगा, ये लेफ्ट था, ये लेफ्ट, ये बाएं, ऊपर वाले जो पार्ट होंगे। अब जब उत्तराखंड से आ रही है, उत्तर से आ रही है और ये पश्चिम पूरब की तरफ जा रही है, तो उत्तर से आई और पूरब की तरफ गई, तो देखा जाए तो ऊपर वाला जो पार्ट होगा ये जैसे मेरे हाथ है, तो ये बाएं साइड है, तो ये जो नदी बह रही है बाएं बह रही है, और नीचे वाला जो पार्ट देखेंगे तो ये दाएं हो जाएगा। तो बात करें ये राइट या दाएं हो जाएगा। पूछता है कभी कि वाराणसी गंगा नदी के किस किनारे पर बसा हुआ है, वाराणसी गंगा नदी के किस किनारे पर बसा है, तो बाएं बसा है। कानपुर पूछ ले तो कानपुर जो है ये दाएं बसा है। ऐसे ही बात करें गोमती नदी की, अगर जो पूछ ले कि लखनऊ गोमती नदी के किस किनारे पर बसा है, तो दाएं बसा है, क्योंकि इमामबाड़ा देखेंगे तो पहले नदी पड़ेगी फिर इमामबाड़ा पड़ेगा। अब बात कर रहे थे सिंधु नदी की, सिंधु नदी की अगर जो बात करें तो ये अब ये पूरब से उत्तर की तरफ जा रही, हाँ सॉरी फ्रेंड्स, उत्तर से ये नॉर्थ से ईस्ट टू जा रही थी, नॉर्थ टू ईस्ट जा रही थी गंगा नदी। अब ये जो नदी है, बात करें इसको भी अगर जो मान लें नॉर्थ से ये जो है वेस्ट जा रही है, अब नॉर्थ से वेस्ट जा रही है तो ये डायरेक्शन जो होगा ये सिंधु नदी का डायरेक्शन होगा, तो ये ऊपर वाला जो है राइट हो जाएगा। अब ये ऊपर वाला जब इस साइड को जा रही है तो ये देखेंगे तो ये राइट हो जाएगा और नीचे वाला जो है लेफ्ट हो जाएगा। तो ये कभी कभार पूछने लगता है, तो ये दोनों आपको समझ में आ गए। अगर जो बाकी जो नदी देखी थी, कावेरी देखी थी, जितनी सारी नदियां देखी थी तो उनमें ऐसे ही चल रहा था, और बात करें नर्मदा की, ताप्ती की, तो उनमें भी ऐसे ही चल रहा था। अब ये वाला उदाहरण सीधे देखे सिंधु का है और नर्मदा का है, ताप्ती का है, और नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, सिंधु का है। और पेरियार एक नदी छूट गई थी जो केरल की नदी है, पेरियार उद्यान भी है, परियोजना भी वही है। तो ये पेरियार नदी भी अगर पूछता है तो ये भी ऐसे ही है, ये उदाहरण जो एग्जांपल है ये इस नदी के हैं, जो राइट राइट होगा, लेफ्ट लेफ्ट होगा इनका ऐसा। अब ये वाली नदियों की बात करें तो कावेरी है, कृष्णा है, और गोदावरी नदी है, महानदी है, और ये सारी नदियों का जो ऐसे ही होगा, इसमें दामोदर नदी भी आ जाएगी। अब बात कर रहे थे हम इसके, तो आपको पता चल गया। अब बात करें दाएं साइड से, पूछ ले कौन सी नदी मिलती है, तो एक नदी जो मिलती है गलवान, बात करें ये गलवान घाटी वही है जहां पर चीन से युद्ध होता रहता है, गलवान घाटी है और वही नदी का नाम भी है गलवान। अब बात करते हैं एक नदी है सोक नदी है जो किससे मिलती है, गलवान वाली नदी से आके मिलती है। तो ये सोक नदी है जो गलवान नदी से आके मिलती है, और एक नदी है नुब्रा। नुब्रा की बात करें
तो ये किसकी सहायक नदी है, तो ये भी गलवान की है और ये आपस में जाके कहां पे सिंधु से मिल जाती है। अब बात करें, एक है गिलगिट, गिलगिट भी है जो ऊपर से मिलती है दाएं साइड से, और इसके बाद बात करें स्वात है, और स्वात के बाद काबुल है। ये काबुल है जो अफगानिस्तान से आती है और नदी का नाम भी काबुल है, और वहां की राजधानी जो अफगानिस्तान की देखेंगे तो वो भी काबुल है। तो काबुल नदी भी है जो स्वात, इसकी सहायक नदी है काबुल की। और एक नदी है गोमल, जो ये भी ऊपर से मिलती है दाएं साइड से सिंधु की। तो ये दाएं साइड का हो गया दाएं घाट। अब बात करते हैं बाएं की, बाएं की ज्यादा नहीं है, एक नदी है जास्कर, एक जास्कर नदी है जो बाएं से मिलती है, और इसके बाद जो नदी होगी ये चिनाब नदी होगी जो बाएं से मिलेगी, चिनाब। ये दो नदी हैं जो सिंधु घाटी की बाएं साइड से मिलेंगी, एक चिनाब हो जाएगी और एक जास्कर हो जाएगी। तो अगर जो कभी पूछ ले कि लद्दाख, लद्दाख की जो कैपिटल है लेह है, लेह, लद्दाख की कैपिटल अगर जो पूछता है कि क्या है, तो लेह है, और लेह पूछ ले किस नदी के किनारे है, तो ये सिंधु नदी के किनारे है। तो बात हो गई सिंधु की। अब बात करते हैं सिंधु की जो सहायक नदियां हैं यहां से हैं, ए अब ये चिनाब नदी है, चिनाब नदी में आके जो बहुत सारी नदियां मिलती हैं, तो पंजाब में कहा जाता है पांच नदियों का जो है समूह है, और इसी के लिए पंजाब कहा जाता है। तो एक नदी जो देखें सबसे नीचे, एक नदी है जिसका नाम है सतलुज, ये सतलुज नदी है, सतलुज। अब सतलुज नदी जो है ये नदी ये आती है, ये भी मानसरोवर से लगी हुई झील है, राक्षस ताल कहें या राक्षस ताल कहें, राक्षस ताल या राक्षस ताल, वहीं से झील से निकलती है, मानसरोवर के नीचे ही झील है। और कहीं ना कहीं अगर देखेंगे एटलस में तो ये दोनों जुड़ी हुई है, बस थोड़ा सा यहां से थोड़ी सी कटी है कि ये ऊपर नीचे है बस। तो यहां से अब बात करते हैं सिपकिला दरवा, सिर्फ किला दर्रा की बात करें कहां पर है, तो ये दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है, सिर्फ किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, और यहीं से जो नदी निकलती है सिर्फ किला दर्रा से, ये सिर्फ किला दर्रा से जो नदी आती है, तो इसी को सतलुज कहा जाता है।